हेलो एवरीवन, टेक विद सैम में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो थंबनेल है वो है रिवीजन एचटीएमएल लिस्ट। ओके, तो एचटीएमएल में मल्टीपल लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके, नेस्टेड लिस्ट। इन सब के बारे में हमने पहले से सेपरेट वीडियो में देख लिया है। अभी इन सब का हम एक रिविजन देखेंगे। इसमें हम है ना मल्टीपल यूज करेंगे, मतलब पूरी तरह से क्या है ना इसका यूज हम करेंगे एक टॉपिक के थ्रू। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर लिस्ट का भी है, अनऑर्डर लिस्ट एग्जांपल, ओके, और ये नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है, और ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एग्जांपल। अभी हम जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक सिंपली हम एक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर यूज करूंगा डीएल टैग, क्योंकि मैं अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम पूरा यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड, सब कुछ यूज करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट किया है। तो मैं इधर टर्म यूज कर लेता हूँ डीटी, एक टर्म। अब डीटी में मैं ना हेडिंग दे देता हूँ कंप्यूटर। ओके, जैसे कंप्यूटर बहुत ओल्ड हो चुका, हम देते हैं लैपटॉप। ओके, कि जैसे कि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप हेडिंग हो गया। अब इस लैपटॉप के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना है डीडी टैग में। मैं नॉर्मली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, लैपटॉप क्या है। ओके, मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस, मतलब आप बोल सकते हो पोर्टेबल डिवाइस। इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस, करेक्ट, इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस, ऐसा मैंने इधर डाल दिया। ओके, तो इसको एक बार सेव करके आप देख भी सकते हो, लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओपन विथ लाइव सर आउट करता हूँ, तो आप देख भी सकते हो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। लैपटॉप हेडिंग है और ये पोर्टेबल डिवाइस है, तो उसके बारे में हेडिंग आ चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से जाता हूँ और हम देखते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ओके, कि जैसे कि अभी मैं क्या चाहता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड का लैपटॉप होता है, जैसे कि डेल का होता है। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली यूज कर लेता हूँ यूएल टैग अनऑर्डर लिस्ट। ओके, इधर ऑर्डर लिस्ट ओपन कर रहा है मैंने। ओके, अभी मैं इधर यूज करता हूँ एलआई टैग, और मैं तीन ब्रांड लेता हूँ। ओके, तीन ब्रांड लेता हूँ मैं, जैसे कि एचपी का एक ब्रांड है, दूसरा ब्रांड कौन सा है, डेल का ब्रांड है, और तीसरा ब्रांड है हमारा एप्पल। ओके, ये तीन ब्रांड मैंने इधर ले लिया है, और तीनों ब्रांड का भी हो चुका है। एक बार हम फिर से जाते हैं और चेक कर लेते हैं ब्राउजर में। ओके, तो ये देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद हमने क्या यूज किया, अनऑर्डर लिस्ट, और इधर हमारा नेस्टेड लिस्ट भी एक प्रकार का हो ही चुका है। ओके, और जैसे कि ये देखो ये भी हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और डिटेक कर लेता हूँ, मतलब एक और डिफाइन कर लेते हैं। अभी हमने लैपटॉप किया, अभी इसमें हम कर लेंगे मोबाइल। ओके, तो मोबाइल मैंने कर लिया इसमें, और मोबाइल की इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं, जैसे कि मोबाइल क्या है, इट इज अ स्मार्टफोन। मोबाइल मतलब ऐसे डाल रहा हूं मैं, जैसे आपको समझ में, इट इज अ स्मार्टफोन। ओके, और इसमें कौन कौन से, अभी ठीक है, हम इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, जैसे कि मोबाइल का हम छोड़ के हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, मोबाइल भी रख लो, ठीक है, आपको ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है, मोबाइल भी रख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा हम यूज कर लेते हैं डीटी टैग में एंड्रॉइड। ओके, एंड्रॉइड यूज कर लेते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो एंड्रॉइड हमने यहाँ पे यूज किया है, तो एंड्रॉइड में डेटा कौन सा आएगा। ओके, तो एंड्रॉइड के वर्जन्स, वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड जो हम इधर अभी लेने वाले हैं। ओके, तो एंड्रॉइड के वर्जन्स, वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड। ओके, और जैसे कि डीटी टैग्स मैंने ये भी डिफाइन कर दिया, और एक बार आपको मैं दिखा दो ब्राउजर में कैसे दिख रहा है। ये देखो मोबाइल, इट इज अ स्मार्टफोन, एंड्रॉइड वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। अभी एंड्रॉइड के कौन कौन से वर्जन है वो हम इधर देखने वाले हैं। ओके, तो सही पहचाना है आपने, हम ओएल टैग को ही यूज करेंगे। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। इधर मैं स्टार्ट में डालता हूँ, हम स्टार्ट कर लेते, जैसे कि 7 से कर लेते, 7.1 से, और देखते होता है क्या हमारा। ओके, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर लिया मैंने, और एलआई से में हम कर लेते, जैसे 3 कर लेते, 3 वर्जन्स। ओके, कि जैसे कि ये था हमारा नट्स। ओके, और ये था हमारा ओरियो, और आई थिंक ये हमारा, आई थिंक ये चल रहा है एंड्रॉइड, ठीक
का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको 10 डाल देता हूँ और सेव करके देख लेते हैं कि हमारा ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। ये देखो 7.1 से नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमारा 7 से चल रहा है, क्योंकि हम रिवीजन सेशन के लिए इसमें हम इसको बहुत अच्छी तरह से टैकल करते हैं, जो भी इसके एरर्स है ना इसको समझ के जाते हैं। ये देखो अब एक बार मैं फिर से जाता हूँ ब्राउजर में, तो आप इधर देख सकते हो नट्स ओरियो 7 8 9 आ गए। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमने पूरा यूज कर लिया, लेकिन आप क्या चाहते हो कि इसको थोड़ा एस इधर हो सकता है क्या? ओके देखते हैं कि हम उसको ऐसा कर सकते हैं क्या, तो उसको हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमको इधर थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको कि इधर हमको एक और डिस्क्रिप्शन लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी। ये देखो एक और मैं इधर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ओपन कर रहा हूँ और इधर इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। ओके और एक बार हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखो नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे अभी इसको डीडी टैग में एंटर करेंगे। ओके तो इसको डीडी टैग में मैं एंटर कर रहा हूँ और इस सब को मतलब इन इसको भी मैं निकाल के इसको इसका डीडी टैग हम इधर क्लोज कर लेंगे इसके बाद। तो देखते हैं वर्क होता है कि हमारा, तो इधर मैं कर लेता हूँ डीडी। ओके तो एक बार हम देख लेंगे ब्राउजर में फिर से जाके। ओके तो चेक कर सकते हो आप कि जो हमारा टास्क है वो पूरी तरह से यहाँ पे हो चुका है। ओके तो हम इसमें एक कर सकते हैं जैसे कि ना और डीएल टैग को हटा के चेक कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं कि डीएल टैग डालना जरूरी है या नहीं है। तो इसको हटा के देखता हूँ मैं और देख लेते हैं कि होता है कि हमारा फिर भी। ये देखो मैंने हटाया फिर भी हमारा टास्क हो चुका है कि मतलब वर्किंग में है। अगर बाय चांस नहीं वर्किंग होता तो आप वहां पे डीएल टैग कर सकते हो। ओके तो आपको इसमें डीप में समझना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कलर देना चाहता हूँ कि जैसे कि किसमें दे, एंड्रॉइड में दे ठीक है, नट्स में दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉन्ट टैग। फॉन्ट का एट्रीब्यूट है कलर, कलर में या COL कलर, कलर इक्वल टू मैं देता हूँ इधर ऑरेंज। ओके और इसको कर लेता हूँ क्लोज और इसको डालूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन ये हमको डालना पड़ेगा कहाँ पे, इसके अंदर ही लेना पड़ेगा इसके अंदर। ये देखो इनर से ना इसके अंदर ही लेना पड़ेगा और फॉन्ट टैग को क्लोज करके हमको इसको नट्स के आगे डालना पड़ेगा, तब नट्स को ऑरेंज कलर आएगा। ओके तो आप इधर देख सकते हो। ओके तो नट्स में ऐसे कलर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरे ऑर्डर लिस्ट में आ जाए तो हम इधर ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ इसको इधर ही मैं इधर डाल देता हूँ उसको फॉन्ट टैग और चेक कर लेंगे कलर इक्वल टू। अभी मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ और डबल कोट करके इसको मैं इधर बंद कर लेता हूँ और इस फॉन्ट टैग को हम क्लोज करेंगे ऑयल के बाद। ओके और देख लेंगे अभी होता है क्या हमारा फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है और ये देखो देखते होता है क्या, ये देखो नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपको तो पता चल गया होगा कि इस केस में तो यहाँ पे वर्किंग नहीं हो रहा है। ओके तो उस केस में थोड़ा सा तो ये है, लेकिन बेनिफिशियर तो आपको पर्टिकुलर इसमें देना पड़ेगा, पूरे इसको देना होगा तो थोड़ा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ओके तो वो आपको देखना है, क्योंकि हमने ये सेशन इसीलिए हमने लिया रिवीजन का, क्योंकि जो भी इसके एरर्स है वो क्लियर हो जाए, आपके डाउट्स है वो वहां पर क्लियर हो जाए। ओके तो हम इसमें इसका एट्रीब्यूट ले सकते हैं, जैसे कि इसमें कलर नाम का एट्रीब्यूट है क्या देखते हैं हम। ओके जैसे कि सीएसएस यूज करके तो हम कर पाएंगे, लेकिन ये हमारा एचटीएमएल पे चल रहा है तो इसलिए मैंने इसका यूज नहीं किया। तो मैंने कलर लिया है इसे और देखते हैं होता है क्या। ये देखो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा वर्किंग नहीं करेगा, लेकिन पर्टिकुलर इसको देना होगा तो वो आप दे पाओगे। ओके जैसे कि एंड्रॉइड 10 को भी दे सकता हूँ, सबको दे सकता हूँ मैं, लेकिन पर्टिकुलर ही देना पड़ेगा तभी होगा। जैसे कि जो आज का हमारा जो पूरा टास्क है वो हाँ
हमारा वो कंप्लीट हो चुका है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जैसे कि हमने पूरा जितना भी एनी स्टेट भी यूज किया है, हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट पूरी तरह से यूज किया है। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा, कि इसमें आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिली होगी हर एक टॉपिक के बारे में, और डीप में हम इसमें गए हैं। ओके, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहना मेरे साथ, फिर मिलेंगे टेक विद सैम के साथ। चलो बाय बाय, थैंक यू।